हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल SS Study 2.0 में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पार्ट 25 का पार्ट 25 देखेंगे। दोस्तों इससे पहले 24 पार्ट करवा दिए जो हमारे YouTube चैनल SS Study 2.0 पर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो दोस्तों देख लीजिएगा। तो दोस्तों पार्ट 25 में बात करेंगे सेलेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन, कितना 35 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दोस्तों RRB ग्रुप डी NTPC SSC पुलिस, चूंकि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों क्लास को बीच में मत छोड़िए, पूरा क्लास एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं क्या देखिएगा, चलिए क्या है, चलिए मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देगा, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देगा, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देगा, याद रखिए प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो याद रखिए प्रोटोजोआ में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलेगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे क्या देखिएगा, निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए किसकी आकृति निश्चित नहीं होती, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा अमीबा की, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन देखिए क्या देखते हैं, चप्पल की आकृति का जंतु है। तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, चप्पल की आकृति का जंतु है। तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या पैरामीशियम एक चप्पल की आकृति का जंतु होता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे क्या देखिए, अमीबा का प्रचलन अंग है। तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, अमीबा का प्रचलन अंग है। तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा होता है, तो याद रखिए कूटपाथ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या अमीबा का प्रचलन अंग है, तो याद रखिए कूटपाथ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर पाँच देखेंगे क्या देखिए, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए किसे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए किसको, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है योगलीना को, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या योगलीना को, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या योगलीना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर छः देखिए क्या देखते हैं, पौधे और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए किसे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, पौधे और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए किसे जाना जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, जो कि योगलीना को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या पौधे और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, तो योगलीना को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर सात देखेंगे क्या देखिएगा, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिट का कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिट का कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिए आंत में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिट का कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिए आंत में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर आठ देखेंगे क्या देखिएगा, चलिए क्या है, पीएचएस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो दोस्तों बताइए क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, पीएचएस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो दोस्तों बताइए कौन सा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए पीएचएस के लिए जो कि उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो याद रखिए एंट अमीबा हिस्टोलिट का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या पीएचएस के लिए उत्तरदायी जो कि प्रोटोजोआ होता है, तो एंट अमीबा, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर नौ देखेंगे क्या देखिएगा, काला ज्वर उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। तो दोस्तों बताइए क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, काला ज्वर उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। तो दोस्तों बताइए कौन था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, काला ज्वर उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ लिशमेनिया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा।
लिशमैनिया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखने हैं, क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। निम्नलिखित जो यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए कौन है, तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका कि गंगा की डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा क्या गंगा की डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, गंगा की डॉल्फिन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्या देखिएगा इन जानवरों में किसके जबड़े नहीं होते, तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। इन जानवरों में किसके जबड़े नहीं होते, दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि किसके नहीं होते, तो याद रखिए मिक्सन के, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा इसके, तो मिक्सन के ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्या देखिए सागर में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। सागर में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए किस जीव की है, तो मछली की, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा कि सागर में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, तो याद रखिए मछली, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्या देखिएगा सबसे विषैली मछली है, तो दोस्तों बताइए कौन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। सबसे विषैली मछली है, तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए कौन सी सबसे विषैली मछली है, तो याद रखिए पाषाण मछली, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सी, पाषाण मछली, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या देखते हैं वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो दोस्तों बताइए कौन सा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। याद रखिए कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, तो याद रखिए गुंजन पक्षी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या गुंजन पक्षी जो एक पीछे की ओर उड़ता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्या देखिए घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है, तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है, तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमली युक्त गद्दियां, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा क्या घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है, तो याद रखिए अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमली युक्त गद्दियां, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्या देखिएगा वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए क्या है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में कर लेता है, रेत के अंदर कर लेता, तो शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्या देखिए पहला क्लोन पशु डॉली यानी कौन सा पशु था, तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। पहला क्लोन पशु डॉली यानी कि कौन सा पशु था, तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। तो याद रखिए कौन सा था, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा भेड़, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए क्या पहला क्लोन पशु यानी कि डॉली कौन सा पशु था, तो याद रखिएगा क्योंकि भेड़, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या देखिएगा डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो दोस्तों बताइए किस वर्ग में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो दोस्तों बताइए किस में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा किसमें, स्तनियों में, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्या देखिए भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, तो दोस्तों बताइए कौन सा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, तो दोस्तों बताइए कौन सा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए भारत का राष्ट्रीय स्तनी है यानी कि बाघ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा क्या भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, तो याद रखिए बाघ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखने क्या देखिएगा, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, याद रखिए किसके, तो सुअर के अधपके मांस खाने से, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा कि निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है, याद रखिए सुअर के अधपके मांस खाने से, क्योंकि फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे क्या देखिएगा, गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए किस सूत्र के संघ के अंतर्गत रखा गया। तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए निमेथेलमिंथिस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसके, निमेथेलमिंथिस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा क्या गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया, तो याद रखिए निमेथेलमिंथिस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या देखते हैं, एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए कौन सा रोग उत्पन्न होता है एस्केरिस द्वारा, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा एस्केरियासिस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा, एस्केरियासिस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 देखेंगे क्या देखिए, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों बताइए किसके द्वारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों बताइए किससे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है तो बोचेरिया बेनक्रॉप्टी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए किससे, तो बोचेरिया बेनक्रॉप्टी से, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या देखते हैं, एस्केरिस पाया जाता है तो दोस्तों बताइए किससे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, एस्केरिस पाया जाता है तो दोस्तों बताइए किस में एस्केरिस पाया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। तो याद रखिए एस्केरिस पाया जाता है तो याद रखिए मनुष्य की आंत में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा कि एस्केरिस पाया जाता है तो याद रखिए मनुष्य की आंत में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या देखिए, फेरिटेमा पोस्थमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, फेरिटेमा पोस्थमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, याद रखिए किसका है, तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केंचुआ का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा क्या, फेरिटेमा पोस्थमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है, तो याद रखिए केंचुआ का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 देखते हैं क्या देखिएगा, केंचुआ में कौन सा रक्त बणक होता है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, केंचुआ में कौन सा रक्त बणक होता है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए केंचुआ में कौन सा रक्त बणक होता है, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका हीमोसाइनिन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा कि केंचुआ में हीमोसाइनिन रक्त बणक पाया जाता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या देखिएगा, केंचुआ जो कि केंचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि। दोस्तों बताइए क्यों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, केंचुआ यानी कि किसानों का परम मित्र होता है, तो दोस्तों बताइए क्यों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, याद रखिए जमीन को छिद्र युक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा बढ़ता है। याद रखिए क्या होती है, O2 की मात्रा बढ़ता है जब ये जमीन को छिद्र युक्त बनाता है, तो यानी कि O2 की मात्रा यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, याद रखिए मृदा में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा कि केंचुआ किसान यानी कि कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि। तो याद रखिए जमीन को छिद्र युक्त बनाकर मृदा में यानी कि O2 ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या देखते हैं, केंचुआ में कितनी आँखें होती हैं। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, केंचुआ में कितनी आँखें होती हैं। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए केंचुआ में कितनी आँखें पाई जाती हैं, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया केंचुआ में कोई नेत्र नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या केंचुआ में कोई नेत्र नहीं पाया जाता, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा।
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या देखते हैं, केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए किस प्रकार लाभ पहुंचाता है किसानों को, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भूमि को पोला करके, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या भूमि को पोला करके ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है, तो याद रखिए भूमि को पोला करके ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या देखते हैं, कटल फिश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए किसको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, कटल फिश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए किसको इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कटल फिश के नाम से जाना जाता है सीपिया को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा इसको सीपिया को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा चलते हैं, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, क्या देखिएगा डेवल फिश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए किसको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डेवल फिश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए किसको इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए डेवल फिश के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑक्टोपस को, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा किसको ऑक्टोपस को, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, क्या देखिए ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या होती है। दोस्तों बताइए कितनी होती है ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या होती है, तो दोस्तों बताइए कितनी होती है भुजाओं की संख्या ऑक्टोपस में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या होती है 8, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, कितनी होती 8, याद रखिए ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती, तो 8 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या देखते हैं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। तो दोस्तों बताइए कौन सा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, याद रखिए घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा होता है, तो दोस्तों याद रखिए किंग कोबरा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, तो याद रखिए किंग कोबरा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा क्या ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या देखते हैं, अरस्तु का लालटेन है। तो दोस्तों बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, अरस्तु का लालटेन है। तो दोस्तों बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए अरस्तु का लालटेन किसे कहते हैं, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, जो कि समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा क्या अरस्तु का लालटेन है, तो याद रखिए क्या है, तो समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए क्या ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या देखते हैं, निम्न में से किस जंतु में टीयर ग्रंथियां नहीं पाई जाती, यानी कि आश्रु ग्रंथियां नहीं पाई जाती। दोस्तों बताइए किस जंतु में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, निम्न में से किस जंतु में टीयर यानी कि आश्रु ग्रंथियां नहीं पाई जाती। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए किस में नहीं पाई जाती आश्रु ग्रंथियां, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि घड़ीवाल में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, या निम्न में से किस जंतु में टीयर ग्रंथियां नहीं पाई जाती, तो याद रखिए घड़ियाल में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए क्या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए घड़ियाल, याद रखिएगा। तो दोस्तों बताइए क्लास कैसा लगा आप सभी साथियों को, तो दोस्तों एक मिलकर सभी साथियों एक बार मिलकर लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों कल है जो कि कल क्या है, कल है 7 तारीख, तो कल 7 तारीख से, तो कल से या फिजिक्स या केमिस्ट्री मिक्स चलाएंगे, ठीक है, तो कल 7 तारीख से यानी कि फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों मिक्स चलवाएंगे या तो एक सिंगल चलवाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो और हाँ दोस्तों जो कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, सपोर्ट अपने दोस्तों को भी बुलाइए यहाँ पे, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री या फिजिक्स चालू होने वाली है, तो दोस्तों बताइएगा सभी दोस्तों को बुलाइएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, चलेंगे, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।